मोती सागर पारा स्थित सब स्टेशन में सुधार कार्य के दौरान हुए हादसे में एक ठेका श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया। ठेका श्रमिक का नाम प्रियंक चांदू है, जो मिशन कंपाउंड का निवासी है। बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त सब स्टेशन में वो सुधार कार्य कर रहा था। इस दौरान अचानक बिजली का रिटर्निंग प्रवाह हो गया, जिसके कारण उसे करेंट का जबरदस्त झटका लगा और वो गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे में श्रमिक का बायां पैर बुरी तरह से झुलस गया। शहर के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। मोती सागर पारा स्थित सब स्टेशन में सुधार कार्य के दौरान एक ठेका श्रमिक को करंट का जबरदस्त झटका लगा। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे शहर के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया। मिशन कंपाउंड निवासी प्रियंग चांदू अपने दो साथियों के साथ सब स्टेशन में सुधार कार्य कर रहा था। काम करने के दौरान अचानक करंट का प्रवाह हो गया और प्रियंग उसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। आनन फानन में उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस हादसे में मजदूर का बायां पैर बुरी तरह से झुलस गया है। घटना के संबंध में हमने वितरण विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि काम के दौरान करंट का रिटर्न प्रवाह होने के कारण यह हादसा हुआ है। दुर्घटना पर मजदूर की लापरवाही सामने आई है। उसने ना तो दस्ताने पहने थे और ना ही सुरक्षा के अन्य साधनों का उपयोग किया था, यही कारण है कि वह झुलस गया। बहरहाल श्रमिक को रायपुर रेफर किया गया है, जहां रामकृष्ण केयर अस्पताल में उसका उपचार किया जाएगा। एसीए न्यूज के लिए इमानुएल तांडी के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।